IVM. दक्षिण अफ्रीका ने एक तरफ जहां भारतीय टीम को हरा दिया, वहीं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने तमाम फैंस को डरा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम को मिली करारी हार की। वनडे सीरीज एक तरफा भारतीय टीम हार गई। भारत के तमाम वाइड बॉल क्रिकेट के दिग्गज इस सीरीज में खेल रहे थे, लेकिन कोई भी बड़ा नाम कोई काम नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। और पिछले अगर आप तीन सीरीज उठा के देखें, खासतौर से वर्ल्ड कप के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने हमें 4-0 से हराया, न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया और अब दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से हरा दिया है। इसका क्या संकेत निकलते हैं इन तमाम सीरीज के वनडे क्रिकेट में खासतौर से, और क्या वनडे क्रिकेट में हम लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अयाज मेमन सर हैं, हमारे साथ सभा सर हैं, और इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। और बहुत निराशा हुई है जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया, और एक डर भी सता रहा है कि कहीं 90 के दशक का दौर तो नहीं लौट रहा है, जहां पर हम एकाध मैच जीतते थे, सीरीज जीतने की हम कल्पना नहीं कर पाते थे जब तक कि सौरभ गांगुली कप्तान बने और उसके बाद भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदली। क्या कप्तान बदलना भी एक बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से लगातार भारतीय टीम संभल नहीं पा रही है, हर बार हर मौके पर वो गिर रहे हैं, और नतीजा ये कि भारतीय क्रिकेट का ग्राफ भी बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है। अयाज सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। 6 मैच खेले दक्षिण अफ्रीका में, 5 हार, क्या मायने निकाले जाए इस दौरे के? देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही डिजास्टर्स टूर रहा है राजीव, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की और न्यूजीलैंड की बात की, जहां व्हाइट बॉल मैचेस हारे थे, न्यूजीलैंड में तो टेस्ट मैचेस भी हारे थे, लेकिन वो उनकी सबसे बेहतरीन टीम्स के खिलाफ हम हारे हैं। यहां पर साउथ अफ्रीका की जो टीम थी पेपर पे तो बहुत हल्की थी, फील्ड पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, और इसी वजह से ये बड़ा सेटबैक है कि आप ऐसी टीम जो एक खुद रीबिल्डिंग प्रोसेस में है, जिसमें काफी कोई डेब्यूटेंट्स है, आप डीन एल्गर और कगिजो रबाडा को निकाल देते हो, शायद ही कोई प्लेयर है जिसने 12-15 मैचेस खेला होगा, और टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, और ओडीआई में भी कुछ खास उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, रबाडा और नॉर्जे नहीं खेल रहे थे, क्विंटन डिकॉक टेस्ट मैचेस छोड़ दिए बीच में पहली मैच के बाद। तो ऐसी टीम से हारना ये बताता है कि या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी या वहां जाके कुछ ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि जो पिछले तीन चार महीने से जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसका डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम पे असर पड़ता है। ये नहीं है कि आप प्लेयर्स जो है दिग्गज लेके गए तो वो उसी तरह परफॉर्म करेंगे जिस तरह 2 साल या 3 साल पहले करते थे, वो करंट सिचुएशन में क्या उनकी जहनी हालत है वो रिफ्लेक्ट होती है फील्ड पे, और जो हमने देखा है, जो रिफ्लेक्शन देखा है, जो तस्वीर देखी है, वो मेरे ख्याल से काफी निराश करने वाली तस्वीर है। सभा भाई, 6 मैचों में 5 हार और 3 वनडे मैचों की अगर पहले हम एनालिसिस करें, खासतौर से तीनों में एक तरफा हार, हम चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो, नतीजा नहीं बदल रहा है, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की गई थी, खासतौर से वाइड बॉल क्रिकेट में। देखिए राजीव, बहुत जरूरी है कि हम इसको एक अलग किस्म से एड्रेस करें। देखिए, रेड बॉल क्रिकेट, वाइड बॉल क्रिकेट को हम लोगों को अलग तरीके से देखना होगा। रेड बॉल क्रिकेट में जो हो चुका वो अलग बात है, उसके बारे में कभी और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट के बारे में इस समय चर्चा करने की आवश्यकता है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो, हमारा जो प्रदर्शन का जो ग्राफ है वो नीचे नीचे होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वक्त आ गया है कि आपको टीम को रीबिल्ड करना होगा, क्या आपको रीबूट करना होगा, क्या जो आप टेम्पलेट के साथ हम खेल रहे हैं वो टेम्पलेट सही है कि नहीं, क्या दूसरी टीमें आपसे आगे निकल जा रही हैं? तो इन सब चीजों पर सवाल उठने चाहिए, और इन सब सवालों को एड्रेस करना होगा राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को, तभी ये टीम आगे बढ़ सकती है। क्या हमने जो खिलाड़ी चुने हैं अभी तक वो अपने मुताबिक परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो रोल उनको दिया गया है वो रोल वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं? तो इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, तभी आप वो परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं केवल अपने कॉम्बिनेशन में प्लेयर्स के साथ पर अपने टेम्पलेट में भी, आपका अप्रोच किस प्रकार का है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर अलग अलग किस्म से चर्चा की आवश्यकता है, तभी इस खराब प्रदर्शन का जो फेस चल रहा है इससे हम लोग निकल सकते हैं। कमल चंद एक हमारे व्यूवर है, उन्होंने बड़ा विराट कोहली को लेके इमोशनल सा एक मैसेज दिया है कि बीइंग विराट कोहली इज नॉट इजी एट ऑल। उनका ये कहना है कि भारत का परफॉर्मेंस जिस तरह से गिरा है, वी डेफिनेटली लॉस्ट अ बेस्ट एवर लीडर बाय लॉबिंग,
मतलब भारतीय क्रिकेट में जो लॉबिंग हुई है उससे न सिर्फ विराट कोहली गए बल्कि उसका सीधा असर अब मैदान पे नजर आ रहा है। उसके दो पहलू आ सकते हैं, एक तो या तो बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस हो, कहीं टीम थकी हुई हो, फ्रेश थॉट आता है, फ्रेश डायरेक्शन एक दिशा मिलती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। या अगर आप एक क्राइसिस में कैप्टन को लूज करते हैं जिससे बहुत से प्लेयर्स आदी है तो फिर उसका नतीजा शायद नुकसान भी दे। तो अब रिजल्ट अगर आप देखें तो ऐसे लग रहा है कि विराट के जाने से इम्पैक्ट पड़ा जरूर ओडीआई सीरीज में। टेस्ट में तो कैप्टन थे, दो टेस्ट मैच में एक जीते एक हारे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको साथ में लिखना चाहिए विराट के खुद के फॉर्म से। और पिछले 6-8 महीने से ये बातें हो रही थी कि शायद डिविजन ऑफ कैप्टनसी होनी चाहिए, तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी उन्होंने, उसका इम्पैक्ट मुझे तो लगता है कि जरूर हुआ कुछ हद तक। बाकी जो प्लेयर्स है थोड़े से अनसेटल हो गए या टीम पूरी अनसेटल हो गई। और जो देखें ऋषभ पंत की एक दो पारियां बहुत अच्छी थी, राहुल ने कुछ अच्छी पारियां खेली टेस्ट में, शिखर धवन अच्छे फॉर्म में थे, जसप्रीत बुमराह ओडीआईज में, विराट कोहली खुद। लेकिन जो मैच विनिंग इंपैक्ट होना चाहिए, जो एक प्लेयर हो या दो तीन प्लेयर जो हो जो आपको मैच जिता के ले जाए, वैसा देखने में नहीं आया। लास्ट मैच भी अगर आप देखें 4 रन से हारे, उसके पहले जो है 15-16 रन से हारे थे वगैरह। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक जो सेटल्ड टीम की जो एक शक्ति होती है कि क्राइसिस सिचुएशन में या टफ सिचुएशन में वो सिचुएशन जीत जाना और फिर मैच जो है अपने कब्जे में कर लेना, वैसा हुआ नहीं। जैसे ही कोई टाइट सिचुएशन आई, कुछ क्राइसिस आया, एक दो विकेट गई और वहीं से फिर जो है टीम बिखरना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कैप्टनसी का डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट आया ओडीआई सीरीज में। सभा भाई, क्योंकि बहुमा की मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि व्हेन वी हर्ड दैट विराट कोहली विल नॉट बी कैप्टनिंग इंडिया, वी नो वी हैड द अपर हैंड इन द ओडीआई। अब उसकी अगली लाइन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी हर्ड इट विल बी के राहुल, वी न्यू वी विल विन 3-0। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, बहुमा की राय अलग हो सकती है। देखिए, ये तो एक बहुत ही कठिन फेज है, इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा और मुझे लगता है यहाँ से निकलने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हम लोग सभा भाई बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि के राहुल कप्तानी का बोझ नहीं सह पा रहे, तो वो बात तो बहुमा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं। हाँ राजीव, वो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फिर केएल राहुल तो इस समय व्हाइट बॉल के कप्तान है भी नहीं, हमारे कप्तान है रोहित शर्मा। तो यही इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय टीम को, विराट कोहली का अचानक से चले जाना, जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है इन सब कारणों से, उसका असर पड़ना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत समय लगेगा। मैं राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसके बारे में पढ़ भी रहा था, उन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, जो क्रिटिकल समय जब आया था चेस करते समय या फिर टारगेट सेट करते समय, वहां पर हमारे विकेट बहुत ज्यादा गिर गए। जो प्लेयर्स को हमने चुना है उनको हम ज्यादा मौका दे रहे हैं, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। तो ये 2-3 बातें जो उन्होंने कही वो सही भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मिडिल ओवर्स में जो विकेट मिलने चाहिए थे हमें, वो हम विकेट ले नहीं पाए, नई गेंद से सिर्फ हम लास्ट वाले ओडीआई में हम विकेट ले पाए, उसके अलावा हम संघर्ष करते रहे हैं नई बॉल से। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होगा और थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि नया कप्तान आने वाला है, अब हो सकता है कि होम सीरीज में अगर रोहित शर्मा फिट हो जाते हैं तो हम नए किस्म के अप्रोच के साथ मैदान में उतरेंगे। हर एक खिलाड़ी को मालूम होगा कि ये मेरा व्हाइट बॉल कैप्टन है, इसी के पीछे हम लोग को रैली करना है। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आएंगी और हमें देखने को मिलेंगी राजीव जी। ऐसा हर्ष जैन का कहना है कि विराट कोहली और शिखर धवन ऐसा लग रहा था मानो अपने लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो मैच जहां पे वो जिता सकते थे, दोनों मैच में उन्होंने अपने अपने अर्धशतक तो बनाए लेकिन टीम को मझधार में छोड़ के चले गए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि कोई विनिंग इंपैक्ट नहीं रहा है। अगर आप देखें, शिखर धवन की बैटिंग अच्छी थी लेकिन जो 70 रन बनते या 65 रन बनते, अगर वो 100 बनते तो आप मैच जीत जाते थे। और विराट का भी यही कह सकते हैं, 2 हाफ सेंचुरी थी, ये बताया कि उनका फॉर्म जो है या लीन शॉट जो है इतना बुरा नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं विराट से, विराट जो रन चेसेस में खास करके पूरा उनका रेपुटेशन उसी से बना था, वो विराट नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने हाफ सेंचुरी बना लेते हैं या 70-80 बनाते हैं लेकिन आप टीम को जिता नहीं सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक कमजोरी मानी जानी चाहिए टीम की, खास करके इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे शिखर और विराट। लेकिन मैं मानता हूं कि एक्चुअली जो सभा ने बताया, राहुल द्रविड़ ने जो एनालिसिस किया वो बिल्कुल सही है। आप मैचेस हारे हैं मिडिल ओवर्स में या बैटिंग करते वक्त
या बोलिंग करते वक्त, दोनों ही चीजों में आप मिडिल ओवर्स में, अब जैसे पार्टनरशिप हुई विराट की और शिखर की, जब मिडिल ओवर्स आते हैं विराट आउट हो गए और शिखर आउट हो गए तो बैटिंग जो है बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, और उनकी बैटिंग जब वो पहले एक दो विकेट खोके जब वो रीबिल्ड करते अपनी पारी को, तो हमारे मिडिल ओवर में कोई है नहीं विकेट लेने वाला इस सीरीज में। आप स्पिनर्स को भी देख लेना, अश्विन को विकेट मिली ना, चहल को इम्पैक्ट कर पाए, एक बुमराह को अगर आप निकाल दें और लास्ट मैच में चहल को कुछ हद तक, तो बॉलिंग बहुत ही हल्की नजर आई, और बैटिंग जो है आप डिपेंड कर रहे हैं चहल से और शार्दुल ठाकुर से कि वो हाफ सेंचुरी बनाए तो आप 280 तक पहुंच सके, वरना 280 पहुंचने का भी आपका आपके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये दोनों ही चीजें अगर आप देखें बैटिंग एंड बॉलिंग में, ये मेरे ख्याल से बहुत इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और जो पर्सनल चूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ ने एक तरह से वार्निंग भी इश्यू कर दी कि जो प्लेयर्स है इस स्क्वाड में, ये ना समझे कि उनको कुछ मौके मिल रहे हैं लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये नहीं है कि स्क्वाड में जगह बनी रहेगी। लेकिन सर ये जो वार्निंग है ये किसके लिए है, मुद्दा ये है, क्या ये वार्निंग वो विराट को दे सकते हैं, क्या ये वार्निंग शिखर धवन को दे सकते हैं, क्या ये वार्निंग आर अश्विन के लिए हो सकती है, क्या सिर्फ यंगस्टर्स के लिए ये वार्निंग है? नहीं, मेरे ख्याल से ये वार्निंग तो ज्यादा होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि एक्सपीरियंस से आप चाहते हैं कि वो मैच जिताए आपको, वो सेटअप करे कि आप इस तरह का फाउंडेशन दे या इस तरह के विकेट ले कि आप मैच जीते। ये नहीं है कि आप हाफ सेंचुरी बन गई तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए रेगुलर एस्टेब्लिश प्लेयर्स की। पर एयाज और राजीव, यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि ये एक ऐसा फेज है जहां पर उदाहरण के तौर पर इस समय शिखर धवन 60 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, विराट कोहली 60 रन 70 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अन्य मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए कि आप मैच जिताए, क्योंकि ये फेज अब एक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा फेज आ रहा है यहाँ पर भारतीय क्रिकेट का जहां पर चलिए आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो मैच नहीं जिता पा रहे हैं, जो जिता पा रहे थे पिछले इतने सालों तक, पर चलिए ये फेज को दूर कैसे किया जाए। ये फेज तभी दूर होगा जब अन्य जो प्लेयर्स हैं वो स्टेप अप करेंगे, जिस तरह से विराट कोहली ने किया था जब वो आए थे टीम में। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है हमारे यंग बैटर्स के लिए कि आपको समय मिल रहा है, आपके पास ओवर्स है, आप मैच जिताइए, तभी वो विश्वास बढ़ेगा टीम मैनेजमेंट के अंदर कि चलिए भाई अगर मेरे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी आउट हो जा रहे हैं तब भी कोई ना कोई प्लेयर है जो आकर मैच जिता रहा है। दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या हुआ, एडियन मार्करम पूरे के पूरे श्रृंखला में फेलियर रहे हैं और उसके बावजूद अन्य किसी न किसी प्लेयर ने रन बनाए हैं, वैन डूसन ने एक शतक लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अप्रोच ही आपको हेल्प करेगा। मैं मान रहा हूं कि विराट कोहली और शिखर धवन को मैच फिनिश करना चाहिए था, पर अगर वो मैच नहीं कर पाए क्या हमारे पास बैटर्स नहीं मैच फिनिश करने वाले? यही तो मौका है आपको ये दिखलाने का कि नहीं मैं हूं, कोई बात नहीं, अगर हमारे टॉप प्लेयर आउट भी हो जा रहे हैं तब भी मैं इतने दिनों से खेल रहा हूं, मुझे अभ्यास हो गया है मैच जिताने का, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको मैदान में। और ये जो सभा भाई कह रहे हैं उसी को अगर आगे कंटिन्यू कराया सर कि बड़ा मौका मिस किया श्रेयस अय्यर ने, ऋषभ पंत ने, कल के मैच में तो हम 6 प्योर बैट्समैन खिला रहे थे और व्हाइट बॉल की क्रीम बैटिंग आपकी खेल लेते, अगर रोहित को अगर आप एड ऑन कर लें तो रोहित के अलावा सारे आपकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की क्रीम खेल रही थी कल के मैच में, फिर भी हम रन चेज नहीं कर पाए। अब सूर्य कुमार यादव को अच्छा स्टार्ट मिलता है, श्रेयस अय्यर तो खैर मुझे लग रहा है शॉर्ट बॉल पे ऐसी कमजोरी आ गई है, निकल कर हर मैच में हम देखते हैं शॉर्ट बॉल पे पुल करने आते हैं और आउट हो रहे हैं। ये सारी चीजें बार बार हो रही है सर, ये इसलिए लोगों के दिल में एक दहशत सी बैठ रही है टीम के परफॉर्मेंस को लेके। देखिए राजीव, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो सभा ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी थी दूसरे प्लेयर्स के लिए, और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें या सूर्य कुमार यादव की बात करें, तो भाई क्या आपको लग रहा है मौका जाया किया है सूर्य कुमार यादव हो चाहे श्रेयस अय्यर हो या ऋषभ पंत ने दो मैचों में जिस तरह से शॉट खेला, खासतौर से तीसरे मैच में विराट खड़े थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो स्टेप आउट कर जाते हैं पहली बॉल पे, विराट ने बहुत घूर के देखा भी उनको जो जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला था, ये रियलाइजेशन क्यों नहीं करा पा रही टीम मैनेजमेंट की आपको जाके मैच जिताना है, आप अपने हीरो बनने के लिए वहां पर क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे? हाँ राजीव, ये तो रियलाइजेशन चली, मैनेजमेंट तो प्रयास कर ही रही होगी पर अंत में खिलाड़ी को खुद आना होगा, और ये एक मुझे लगता है कि ये एक तरह का जज्बा होता है जो आपको अंदर आना चाहिए कि मुझे मौका मिला है, मैं आज मैच जिता के जाऊंगा। और एक और बात है राजीव कि हम 300 से अंदर का स्कोर चेस कर रहे हैं, 350 चेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 अब तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का पार स्कोर हो गया है 50 ओवर में, क्योंकि आपको 30 ओवर मिल रहे हैं जहां पर सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर हैं,
तो आपके पास मौका भी है, समय भी है, कोई इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग अटैक भी नहीं है, जो कंडीशंस हैं वो भी आपके आपके लिए हैं, आप ही की तरह के विकेट्स हैं, ऐसा कोई 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 अलग बात है नहीं। तो वहां पर अगर आप मैच नहीं जिता पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका अप्रोच सही नहीं है, आपके शॉट सिलेक्शन में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, कौन से बॉलर को आपको टारगेट करना वो आप कर नहीं पा रहे हैं, किस तरह से आपको रन चेस पूरा करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने कहा है कि उनकी कोशिश यही थी कि एक सेटल बैटिंग ऑर्डर आ जाए, एक सेटल जो मिडिल ऑर्डर है वो सेटल हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर इतना मौका दिया गया है। पर अगर तब भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सवाल उठेंगे इन सभी प्लेयर्स के ऊपर। चलिए तो इसी नोट पे, क्योंकि बात सवा भाई ने पिच की कि अब पर्ल में जिस तरह से पिच मिली वो भी भारतीय पिच जैसी लग रही थी, अब केप टाउन में जो आखिरी मैच खेला गया जहां पे स्पिन कर रहा था बॉल वो भी भारतीय पिच जैसी लगी, लेकिन इसके बावजूद एक तरह से कहा जाए अपनी होम कंडीशन मिली। बहुमा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अपनी होम जो एडवांटेज उसके अगेंस्ट खेल रहे थे और उसके बाद भी हम सीरीज जीते, इसलिए वो ज्यादा सेटिस्फाइड है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सभा सर और अया सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अया सर, जो बात सभा भाई ने कही कि पिचेस भी ऐसी नहीं थी कि बहुत फायरी हो, अनइवन बाउंस हो या इतना ज्यादा उछाल हो कि आप एडजस्ट ना कर पा रहे हो, खासतौर से वनडे सीरीज में टिपिकली इंडियन विकेट नजर आई है, वो चाहे पर्ल की हम बात कर लें या अब केप टाउन की बात करें। अब ये भी एक्सक्यूज नहीं रहा बल्लेबाजों के पास कि हम ज्यादा सीमिंग कंडीशन में बैटिंग कर रहे थे इसलिए हम रन नहीं बना पा रहे। बेशक मेरे ख्याल से देखें सीरियस ही बात है राजीव के, हम यहाँ पर एक्सपोज हो गए टेस्ट मैचेस में भी और ओडीआई मैचेस में भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि साउथ हम हमेशा बात करते हैं एक्सपीरियंस की और यू नो वगैरह वगैरह, लेकिन आप इनके पास क्या एक्सपीरियंस था। मार्कस हैंसन जिस तरह से गेंदबाजी की अपने पहली सीरीज में, डेब्यू सीरीज में मैच 19 विकेट निकाले उन्होंने, ठीक है होम पिचेस पे खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास बुमराह और शमी और वगैरह के जैसा एक्सपीरियंस तो था नहीं ना, फर्स्ट क्लास इसका इतना एक्सपीरियंस है, वो 22-23 साल के लड़के हैं। तो ये यू नो, और सूर्य कुमार यादव, श्रेया सैयर 8-9 साल का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है, आईपीएल एक्सपीरियंस है, तो कोई वजह नहीं है कि आप बहाने बनाए। मेरे ख्याल से आप ये टाइम अगर पोस्टमार्टम करना है तो उसको यू नो एक हल्के से नहीं कर सकते आप, उसको अगर करना है तो बहुत ही स्ट्रिक्टली देखना होगा कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ है, क्या वजह है कि ऐसे प्लेयर्स जो इतने नामचीन है वो प्रेशर जब बनता है तो परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर ऐसा ही रहा तो उनके रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं, ये इसकी तलाश अभी से शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये आने वाले 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि 2 साल का साइकिल WTC का शुरू हो गया है और यहाँ पर भी हमारी टीम जो है, इंडियन टीम जो है, काफी पीछे चल रही है पॉइंट्स में, 5वें नंबर पे आया सर। बहुत मुश्किल है अब क्वालिफाई करना जिस तरह से हम हारे हैं दक्षिण अफ्रीका में। एक और हमारे व्यूअर है सभा भाई, आपके लिए सवाल है कि सभा सर क्या टीम आपको भी बहुत अनसेटल्ड लगी है? देखिए टेस्ट मैचेस में तो निश्चित रूप से अनसेटल रही है और वहां पर पूरी तरह से अपने आप को रीइन्वेंट करने का, एक ट्रांजिशन को पूरा करने का समय आ गया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है कि जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, एक दो चेंजेस यहाँ से वहां आपको करने होंगे, उसके अलावा तभी मुझे लगता है कि ये टीम सेटल हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो जो आपके वीक एरियाज हैं, जैसे कि हमने उन्होंने कहा कि मिडल ओवर में हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। नई बॉल से हम विकेट नहीं ले पा रहे थे, चलिए ये अच्छा रहा कि लास्ट वनडे में दीपक चहर ने आकर वो काम पूरा किया। उसके साथ साथ देखने वाली बात ये भी है कि हम रन चेजेस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पर आप एक दो ट्वीक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको आपको ध्यान देना होगा कि आपका टेम्पलेट क्या है, क्या जिस टेम्पलेट से हम खेलते आ रहे हैं वो टेम्पलेट आपको मैच जिता रहा है कि नहीं जिता रहा है। अगर नहीं जिता रहा है तो फिर आपके पास विकल्प क्या क्या है, क्या हार्दिक पांड्या अगर वो फिट हो जाते हैं वापस आ सकते हैं कि नहीं, वेंकटेश अय्यर को हम नंबर 6 पर ट्राई किया है, क्या ये स्ट्रक्चर आपके लिए ठीक है, या फिर आप टॉप 6 बैटर्स के साथ जाना चाहते हैं और प्रयास ये करेंगे कि आप नंबर 1 से नंबर 6 तक में जो बैटर्स हैं उनमें से 1 या 2 बॉलर 2 या 3 ओवर आपको लाकर दें। इन सभी बातों पर बात करने की जरूरत है, पर ज्यादा परिवर्तन
इस समय अगर भारत को जरूरत है तो वो है टेस्ट क्रिकेट में राजीव। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आया सर, टाइम कहाँ है आपके पास? इस साल आपको वर्ल्ड कप खेलना है और अगले साल यानी ठीक 12 महीने के बाद फरवरी और मार्च या मार्च अप्रैल में आप 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब के राहुल कह रहे हैं उनके पास बहुत टाइम है रेक्टिफाई करने का, आपको लग रहा है रेक्टिफाई करने के लिए एक साल में आप सब कुछ चीजें ठीक कर लेंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेंगे, आप वर्ल्ड कप जीतने की स्थिति में आ जाएंगे? जो हाल हुआ है दक्षिण अफ्रीका में उसको देखकर तो लग रहा है टाइम ही नहीं है आपके पास सेटल होने के लिए। देखिए टाइम मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर भी आपके पास ज्यादा विकल्प है, ऑप्शंस है, और क्योंकि आप आईपीएल भी खेलते हैं एक तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट, टी20 है, ओडीआई नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और कहीं ना कहीं आप एक दो सीरीज इंक्लूड भी कर सकते, डाल सकते हैं 3 मैच की सीरीज और प्रैक्टिस करने के लिए, या श्रीलंका को बुला लिया या वेस्ट इंडीज को बुला लिया तो आपको मौके मिलते हैं प्लेयर्स को ट्राई करने के लिए। टेस्ट मैचेस में बड़ी ही अनसेटल सिचुएशन है क्योंकि कैप्टन जो है आपका छोड़ के गया है, अब नया कैप्टन कौन है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा को होना चाहिए या बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि कौन बनेगा। और वहां पर जिस तरह से मैं मानता हूं कि बहुत बैडली एक्सपोज हो गई इंडिया इन साउथ अफ्रीका में, तो कुछ बहुत गहरी सोच की जरूरत है खास करके टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर अब ये क्राइसिस सिचुएशन है सिलेक्टर्स के लिए और राहुल द्रविड़ चीफ कोच के लिए एज अ कैप्टन व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रोहित शर्मा के लिए, इनको इनको अपना दिमाग लगाना होगा कि शॉर्ट टर्म में कितनी जल्द से जल्द वो एक सेटल्ड यूनिट बना सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए। शोभा भाई लगातार हम लोग पिछले कम से कम एक साल से तो चर्चा करते आ रहे हैं इंडिया के जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, पैटर्न टेस्ट क्रिकेट में एक जैसा हो जा रहा है आउट करने का, और अगर हम व्हाइट बॉल में जाए वहां पैटर्न एकदम एक जैसा है। अब विराट का मैं कल देख रहा था पिछली 5 इनिंग में जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आउट हुए वो स्पिनर्स ने आउट किया, जिसमें 3 बार लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया, एक बार आदिल रशीद ने आउट किया, एक बार मोइन अली ने, बाकी फिर तीनों शमसी है और 2 बार केशव महाराज ने। क्या रीजन आप देख रहे हैं कि 50 रन तो बना रहे हैं, पिछले 8 पारियों में 6 बार 50 रन बना चुके हैं, बट वो जो आयाज सर कह रहे थे कि मैच फिनिश करने वाला जो आर्ट थी वो मिसिंग है पिछले 2-2.5 सालों में, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? कंसंट्रेशन टूट रहा है या स्पिनर्स ज्यादा बेहतर तरीके से अब गेंदबाजी कर रहे हैं विराट के अगेंस्ट, क्या कुछ रीजन आप देख पा रहे हैं? अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये राजीव, इसका मतलब यही है कि विराट के सामने मिडिल ओवर्स में अब हर एक टीम की कोशिश यही है कि उनको स्पिनर से गेंदबाजी कराई जाए, वो भी अगर धीमी गति से बॉल डाली जाए, ज्यादा उसमें स्पिन कराने का प्रयास किया जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है विराट को। और अगर आप जनरल ट्रेंड देखेंगे मिडिल ओवर्स में विराट का, तो वो अब इस समय ज्यादा ध्यान देते हैं सिंगल्स के ऊपर। एक जमाना ऐसा था जब मिडिल ओवर्स में वो बाउंड्री ज्यादा बाउंड्री शॉट्स लगाते थे, तो वो एक पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है, इसी वजह से टीमों को ये लगने लगा है कि स्पिनर्स के सामने अगर अटैक करेंगे, मुझे लगता नहीं है कि सिंगल एक ओवर में 5 रन 6 रन लेना, सिंगल्स लेना, ये विराट की विशेषता है। विराट की विशेषता है बाउंड्री लगाना, उनका बाउंड्री परसेंटेज हमेशा बड़ा हाई रहता है और वो तब हाई रहता था जब पेस बॉलर से मिडिल ओवर में अटैक किया जाता था, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये एक एरिया है जहां पर और ज्यादा मेहनत करने की, टाइट अपने गेम को और टाइट करने की जरूरत है विराट कोहली को, क्योंकि जो जिस तरह से आउट हो रहे हैं अगेंस्ट द टर्न, कई बार खेलने का प्रयास करते हैं जिस जहां पर वो एक्स्ट्रा उछाल मिल जाती है या फिर टर्न मिलती है जिसके वजह से वो फेल हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने गेम को वॉच करना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि विराट कोहली ये जरूर कर रहे होंगे इस समय। भैया सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूँ कि टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें विराट के जो जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, और हर कंट्री अब ये जान गई है कि उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाए, अगर बॉल बाहर निकालते हैं आप तो कहीं ना कहीं, और एक तो ये है कि वो खुद अब इतने कंजर्वेटिव हो गए हैं क्योंकि फॉर्म इतना हल्का चल रहा था कि वो सिंगल्स भी नहीं पुश कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री गेम खेलना चाहते हैं, और फिर एक जो गलती होती है उससे आपको विकेट मिल जाती। कोशिश यही है जो भी टीम हो, साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया अगर आप गए, कि अगर आप विराट की विकेट ले लेते हैं तो ये टीम को हराना आसान उतना हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रूव नहीं हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त जीत मिली थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप तस्वीर देंगे और खास करके अगर रोहित जो आपके फिलहाल बेस्ट बैट्समैन है अगर वो टीम में नहीं होते हैं और विराट अगर जल्दी अगर रन नहीं बना पाते हैं तो फिर इंडिया की टीम जो है बैटिंग बहुत हल्की हो जाती है। और जैसा सभा ने बताया कि अब ये भी एक टैक्टिक बन गया है कि विराट जैसे ही आते हैं ओडीआई में भी तो स्पिनर्स से उनको कन्फ्रंट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पावर हिटर है नहीं,
और वो ज्यादातर अगर आप देखें तो क्रीज से खेलते हैं। अब ये है कि अगर आप एक रन के सैलाब के साथ आते हैं, जो पहले 3-4-5 साल पहले होता था कि एक फ्लड था उनके पास रन का, अगर वो रन कम हो जाते हैं तो फिर वो खुद भी अपनी गेम जो है चेंज करने की कोशिश में है, और वो अब तक ऐसे लग रहा है कि 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, लेकिन जो अथॉरिटेटिव इनिंग्स चाहिए मैच जिताने की वो अब आ नहीं रही है। और मेरे ख्याल से वो भी उनके दिमाग में प्ले कर रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वगैरह। अब ये है बड़े बड़े से बड़े प्लेयर्स जो ऐसे दौर से निकलते हैं, और चैलेंज अब विराट के पास यही है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से उभरे। या सर, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, हमने 13 ओडीआई मैच दक्षिण अफ्रीका में खेले, उनमें से जो 7 मैच हमारे उसमें विराट कैप्टन ही थे, और 5 मैच जो जीते उसमें विराट कैप्टन थे। क्या कैप्टनशिप वाकई इतना बड़ा रोल प्ले कर देती है? अब जिस तरह के आंकड़े लगातार अब इन दिनों आ रहे हैं, विराट ने पिछले जो वनडे सीरीज है 6-1 से जीते, 5-1 से जीती थी 6 मैचों की सीरीज। अब हालात ये कि बाकी जिन्होंने कप्तानी की वनडे क्रिकेट में, वहां पे हम एक भी मैच नहीं जीत पाए। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से दोनों चीजें हो सकती है एज अ कैप्टन। अगर आप उसको एंजॉय करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो आप उतना और मजे से खेलते हैं और रन बनाते हैं, जैसे हमने विराट के साथ देखा था 2018 की सीरीज में। लेकिन कभी आपके लिए ऐसा होता है, सिचुएशन हालात बदल जाते हैं और आप कैप्टनसी को बोझ समझते हैं, तो फिर कैप्टनसी ना हो तो बेहतर है। अब फिलहाल ही पिछले 2-3 महीने में कैप्टनसी गई है विराट से, और कोशिश तो उनकी भी यही है कि अब केवल बैटिंग पे फोकस करें, बाकी प्लेयर्स के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैच सिचुएशंस की सोचने की इतनी जरूरत नहीं। हालांकि सीनियर प्लेयर है, वो डेफिनेटली एडवाइस तो देंगे ही, लेकिन अपने आप की जिम्मेदारी अब रन बनाने पे रह गई है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सुनहरा दौर फिर से आ सकता है, लेकिन अपने आप को बहुत जल्द लिफ्ट करना होगा विराट को। जी सभा भाई, अगर हम इस सीरीज के पॉजिटिव की बात करें तो दीपक चहर के अलावा कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आया, वो भी सीरीज के आखिरी मैच में, जहाँ पे गेंदबाजी बहुत शानदार की, उनको मूवमेंट बहुत मिल रहा था जब हम देख रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ऑलमोस्ट श्रीलंका वाली इनिंग्स याद आ गई थी जब उन्होंने मैच जिता दिया था। बहुत बड़ा टेक अवे है दीपक चहर का प्रदर्शन, और इस समय जैसा मुझे लग रहा है कि एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस तरह का रोल दिया गया है। एक तो दीपक चहर हो गए, वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर है, उनको भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में देखा जा रहा है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी बल्लेबाजी में आपकी गहराई बढ़ जाती है। फिर आप सोचिए कि अगर जडेजा आ जाते हैं टीम में वापस, तो आपकी आपकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ शिखर धवन की वापसी हुई है, उनके ऊपर दबाव था, उन्होंने आके रन बनाए हैं, और सभी अगर हम बैटर्स को देखें तो शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी इस श्रृंखला में लगे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से बैटिंग की और टाइमिंग देखने को मिली है। तो ये एक या दो ही पॉजिटिव नजर आए हैं, पर मुझे लगता है कि इसीलिए बहुत जरूरी है कि राहुल द्रविड़ और चयनकर्ताओं को ये सोचना कि इनमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप जिनके साथ आप और भी आगे चल सकते हैं, उनको और भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, उनको और भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात होगी अब चयनकर्ताओं के लिए और राहुल द्रविड़ के लिए। या सर, चलते चलते क्या रोहित शर्मा को जब से ऑफिशियल कैप्टन अनाउंस किया गया वाइट बॉल क्रिकेट का, उनका टीम के साथ ना होना बड़ा कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि आप प्लान नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द प्लान कि आपका जो आपको पता अगले सीरीज में के राहुल कप्तान नहीं होंगे, रोहित शर्मा आ जाएंगे, क्या ये बड़ी वजह रही है दक्षिण अफ्रीका में हार की? बेशक, एक तो पहले वो खुद ना, उनका ना होना टीम में बहुत नुकसान दिया इंडिया के लिए, क्योंकि वो सबसे अव्वल नंबर के बैट्समैन थे टीम के। करंट फॉर्म जो अगर आप उनका देखें, और बहुत रिच एक्सपीरियंस है उनके पास, और फिर उसके साथ साथ वो कैप्टन भी थे। अब सब आप सोचें ड्रेसिंग रूम का माहौल, कि सब इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा अनाउंस हो गए कैप्टन, वो आएंगे, लेकिन टूर से पहले ही वो इंजर्ड रिहैब के लिए चले गए और वो है नहीं। अब ये भी नहीं पता है कि वो ODIs के लिए आएंगे या नहीं, फिर मिड सीरीज में आपको पता चलता है ODIs भी नहीं खेलेंगे। तो एक वेट एंड वॉच गेम जो होती है, वो मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स के लिए काफी नर्वस टेंशन पैदा कर सकती है, और इवन फॉर राहुल, KL राहुल जो कैप्टनसी कर रहे थे, कि मेंटली आप जब इंडिया से निकले थे तब ये आप तैयार होके नहीं गए थे कि आप कैप्टनसी करेंगे, आप तो मेकशिफ्ट कैप्टन थे आप। तो मेरे ख्याल से उनको भी इतना हार्शली हम जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि रोहित जब जैसे आते हैं, जल्द से जल्द वो कमान अगर संभालते हैं तो फिर इट्स बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट, और साथ में उनका जो कोलैबोरेशन होगा राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स के साथ, डायरेक्ट मिलने की कोशिश या इंटरेक्शन मिलना चाहिए।
जी, तो चलिए समय खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा खत्म हुआ है या एक दौर खत्म हो रहा है, इस पर कल आगे और बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और आया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, Google Podcast या अन्य IBM Podcasting Network पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IBM Podcast Network. On Think Fast, Varunesh Suchita talked to Shefali Bhatt. She's the tech and culture reporter from The Mint. She gives her views on meme culture, the creator economy, and other internet trends. Check out our new podcast on parenting, Big Talk About Tiny Humans. In the first episode, hosts Devi Shobha and Meghna stress on the importance of eating together as a family. What are the current trends amongst global investors? Viraj Nanda, co-founder of Globalize, tells Anupam all about it on Paisa Vaisa. The Simplified Gang decode all the groundbreaking things that NASA's new James Webb Telescope can do. On all things policy, the Takshashila folk discuss the recent Quad Summit that PM Modi was a part of. And on the Filter Coffee podcast, Karthik asks Devaya Bopanna about starting India's first DAO. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ibmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Inflation, fiscal deficit, GDP, MSP, NPA, equity market, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कम वक्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IBM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।